राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। कौन पार्टी में, कहां पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने ऐसी क्या भूमिका अदा की? बोलने के लिए तो बोलते हैं लोग कि हमने परिश्रम किया है, हम भी बोल सकते हैं कि हमने बहुत परिश्रम किया इसलिए यहां पर पहुंचे हैं, तो बोलने की बात है। लेकिन जितना नीतीश जी की बिना कृपा के जो पद उनको मिला या जो प्रतिष्ठा उनको मिली पार्टी में, कौन ऐसा है इस पार्टी में कि माइक लगा करके घूम जाइए कि आज आरसीपी सिंह जी का कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है और 5,000 या 10,000 आदमी जुट जाएगा? ऐसा है कोई नेता क्या नीतीश जी को छोड़कर इस पार्टी में? कोई आदमी ये कहे कि हमने अपने परिश्रम से किया है, हमने सब कुछ है, मेरा बाकी किसी का कोई योगदान नहीं है, ये तो हमको लगता है हास्यपद है ना। वो तो कहते कि पीएम मोदी की कृपा है, केंद्र मंत्री बनना पीएम मोदी की कृपा है। अब ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी जी की कृपा है तो ये बात सत्य हो गया ना कि नीतीश जी के कंसेंट से मंत्री नहीं बने, ये भी बात हो गया। खुद ही बोल रहे हैं कि बिना नीतीश जी के कंसेंट के मंत्री बने, ये भी बात प्रूफ हो जाता है। ऐसा है कि ये वो भविष्य में क्या करेंगे आरसीपी सर, वो अलग बात है, मगर ये कहना कि मैं परिश्रम से आया हूँ, हम समझते हैं कि ये पूरी तरह से हास्यपद है। नीतीश जी के कृपा से दो दो बार राज्यसभा गए, नीतीश जी ने उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और नीतीश जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। जो भी व्यक्ति इस पार्टी में है वो नीतीश जी के कृपा से फलता और फूलता है। तो जो इस बात को मानते हैं कि जो नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ लोग हैं जो अब बोलने लगे हैं सोशल मीडिया, कोई नीतीश जी के खिलाफ कोई नहीं इस पार्टी में, नीतीश जी के खिलाफ कोई जो ऐसा करते हैं या बोलेंगे, जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो सब इस पार्टी के है ही नहीं। उनकी क्या भूमिका रहेगी पार्टी में? उनकी भूमिका जैसी भूमिका चाहेंगे वैसी भूमिका रहेगी, जैसी भूमिका चाहेंगे माननीय नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो तीनों मिलकर के जैसी भूमिका चाहेंगे वैसी भूमिका मिलेगी। मुख्यमंत्री हैं और लंबे समय तक प्रदेश की राजनीति को दिशा देने का काम किया है, तो निश्चित रूप से अभी गिर जाने से बीमार पड़ गए थे और माननीय मुख्यमंत्री सहित जितने भी राजनीतिक दल के महत्वपूर्ण लोग थे उन्होंने जाके उनका कुशल क्षेम पूछने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी गए। ये राजनीति से हट करके एक गेस्चर होता है कि जब कोई आदमी परेशानी में रहता है तो उसके साथ खड़ा होना दिखता है और हम समझते हैं कि लालू जी दिल्ली गए हैं जहां पर उनके पहले से इलाज चल रहा है था और बेहतर है। आज उनकी बेटी मीशा भारती जी का हमने वीडियो पोस्ट देखा है फेसबुक पर कि लालू जी बैठे हुए हैं और पहले से कह रहे हैं कि हाल काफ़ी बेहतर हैं, तो हम लोग भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हो। आप लोग भी हालचाल ले रहे हैं? हाँ, एक्चुअली राजनीति अपने जगह पर है, कोई आदमी बीमार है, कोई आदमी परेशानी में पड़ा हुआ है तो यहाँ राजनीति से हम लोग हट करके सब देखते हैं चीज़ों को।